Hi friends, welcome to my channel, the vlogger family. I am Vimi और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए waste management पर video, जो बहुत मेरे ख्याल से gardening के लिए important है. तो friends, हमारे kitchen में दो तरह का waste निकलता है. एक होता है dry waste, जिसमें कि food packets होते हैं, plastic की bottles या food containers जो खाली हो जाते हैं, वो सब dry उसमें आता है, कचरे में आता है. और जो गीला कचरा होता है, उसमें फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती जो हमारे किचन में से डेली बहुत निकलता है, उसको हम सेपरेट ये दो तरह के कचरे कंसीडर करते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बड़ा घर है, पीछे बैकयार्ड है, गार्डन है, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है कि आप एक गड्ढा बना लें और उस गड्ढे में डेली का जो कचरा आता है, जैसे आप कुकिंग करते हैं डेली बहुत सारा जो गीला कचरा आता है, आप उसको इकट्ठा कर लो. एंड ऑफ द डे आप उस गड्ढे में डाल दो और उसके बाद उसमें लेयरिंग करेंगे हम, जैसे या मिट्टी की या कंपोस्ट की एक लेयर डालेंगे या ड्राई लीव्स डालेंगे और धीरे धीरे वो कचरा आपका वो गड्ढा भरता जाएगा. और अगर आपके पास गार्डन नहीं है, बैकयार्ड नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, और तो आप मेरी तरह कर सकते हैं, एक बकेट ले सकते हैं और बकेट को बकेट में होल कर सकते हैं, या उससे भी अच्छा होगा एक मटका ले सकते हैं आप बड़ा सा, उसमें नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल बना दीजिए और उसके बाद हम सबसे नीचे कंपोस्ट या मिट्टी डालेंगे, फिर उसके बाद अपना गीला कचरा यानी छिलके फलों के छिलके डालेंगे और उसके बाद उसमें से स्मेल ना आए, तो इसलिए हम उसमें ड्राई लीव्स, जो हमारे गार्डन में से डेली बहुत सारे ड्राई लीव्स निकलते हैं, और हम उसमें ड्राई लीव्स डाल सकते हैं, या फिर आप नीम के पत्ते, अशोका के पत्ते, जो भी घर में पूजा करने के बाद भी कई बार बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं, वो सब भी उसमें डाल सकते हैं. हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने पहले कंपोस्ट डाला, फिर आपने छिलके डाले, दो तीन दिन के छिलकों के बाद फिर आप एक लेयर मिट्टी की या फिर उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल सकते हैं. अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो एक बहुत अच्छा मीडिया है, जैसे कर्ड है, कर्ड 3-4 चम्मच आप उसमें डाल दीजिए, जो कि उसको कंपोस्ट बनने में बहुत हेल्प करेगा. इस तरह से आप लेयर के ऊपर लेयर डालते जाइए, कभी कचरा, फिर कभी मिट्टी या कंपोस्ट, ऐसे डालेंगे. एक उसमें ध्यान रखने की बात है कि जब आप अंडे यूज़ करते हैं तो अंडे के छिलकों को वॉश कर लेना है, ताकि उसके अंदर का लिक्विड जो है वो निकल जाए. और चाय पत्ती के लिए भी आपने एक काम करना है कि उसके अंदर चीनी और दूध होता है, तो इसलिए 2-3 बार पानी से अच्छे से चाय पत्ती को धो लें और उसके बाद आप उसमें डाल सकते हैं कचरे में. तो ऐसे लेयर लेयर करते हुए आप 2-3 महीने के बाद, आपका 2 से 2.5 महीने के अंदर आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाती है. बनाना में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. आज मैं उससे एक पाउडर कंपोस्ट, बनाना पील पाउडर कंपोस्ट बना के दिखाऊंगी. ऐसे मैंने पहले इनको ड्राई किया और धूप में इनको 1.5 हफ्ता रखा, और 1.5 हफ्ते बाद वो इतने ड्राई हो गए. आप बनाना को बिना काटे भी डायरेक्ट उसको सनलाइट में रख सकते हैं, और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और मिक्सी लेंगे और मिक्सी के अंदर हम उनके छोटे छोटे पीसेस को रख लेंगे. अब मिक्सी से हम इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में इसको कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं. ये लीजिए, ये पाउडर तैयार हो गया. इस पाउडर को हम देखिए, आप कितना ड्राई पाउडर है ये, आप 2-2 चम्मच हर गमले में डाल सकते हैं. दूसरी चीज़ है ये यूज्ड चाय पत्ती, 2-3 बार पानी से धोने के बाद इसे धूप में रखना है, 2-3 दिन में ये ड्राई फॉर्म में तैयार हो जाएगी और फिर इसे गमलों में डाल सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा. अगर आपको यूज़फुल लगी तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मुझे बताइए. थैंक यू सो मच, बाय बाय.